अब हम करेंगे शलभ आसन। अब शलभ आसन में आपको करना क्या है, ठीक वैसे ही फिर से आपको ऐसे ही उल्टा लेट जाना है। ऐसे ही आप उल्टा लेट गए, हाथों को ऐसे ले जाइए, या तो हाथों को आप ऐसे यहाँ छोड़ दीजिए साइड में आपकी जांघों के पास, या तो फिर उसको ऐसे जांघों के नीचे ले जाइए। अब आपको क्या करना है, अब अपने पैरों को आप उठाना ऐसे, अप डाउन, इनहेल एक्सहेल, यानी पांव को जब ऊपर लेके जाएं तो सांस लें, जब पांव को नीचे लेकर आए तो सांस छोड़ें। अब जिनको दोनों पैरों से करने में दिक्कत होती है वो एक पैर से भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए, सांस लीजिए सांस छोड़िए। और धीरे धीरे आपको जिसको जितना स्टे करेंगे और जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर स्ट्रेस महसूस होगा, और जितना स्ट्रेस महसूस होगा इसका मतलब है कि आपको धीरे 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 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपके पीठ का जो दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। जितना स्टे कर पाए स्टे कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, और रिपीटेशंस के रिपीटेशंस आपको करने पड़ेंगे। जितना रिपीटेशंस आप करेंगे, जितनी बार इसको आप करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि या तो दोनों पैरों को भी आप कर सकते हैं, और ठुड्डी को जमीन पर रखिए, तो ये हो गया शलभ आसन। और शलभ आसन से भी आपको बैक, आपका जो लोअर बैक है वो भी बहुत मजबूत होता है, और लोअर बैक पेन अगर आपको है उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और आपके जो स्पाइन है उसको भी काफ़ी मजबूती मिलती है। अब हम अगला जो आसन करेंगे वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी बहुत सिंपल है, और क्योंकि ये वो आसन ही आपको मैं बता रहा हूँ जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी और इसका फ़ायदा आपको बहुत सारा मिलेगा। अब हम करते हैं भुजंग आसन। ठीक मकर आसन की तरह, शलभ आसन की तरह ही आपको पहले उल्टा लेट जाना है। हाथों को आप इस पोजीशन पर रखिए ऐसे, जो आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन हो। फिर उठना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। पंजे आपके देखिए ऐसे ही रहेंगे उल्टे, यानी कि जो टोज हैं जमीन पर, एड़ियां ऊपर की तरफ, और हाथों को सीधा कर लीजिए और ऊपर की तरफ देखिए। इसमें भी, और आपको लगता है कि आपके हाथ की पोजीशन आप अपने हिसाब से ठीक कीजिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, और जितना जा सके उतना ऊपर जाइए। अगर जहां दर्द महसूस हो वहां रुक जाइए, अगर आपको लगता है कि यहां से आप ज्यादा नहीं जा पा रहे तो इतना रहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप कर पाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा और आपके पीठ का दर्द धीरे 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 गायब होगा। चाहे आपका लोअर बैक की दिक्कत क्यों ना हो, लोअर बैक में भी काफ़ी लोगों को दर्द होता है, उससे भी आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। सांस लेते ऊपर जाना है, फिर रुकना है, 10 से 15 सेकंड रुकिए पहले पहले, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहिए, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। जितने आप रिपीटेशंस कर सकते हैं, कम से कम 3 रिपीटेशंस तो आपको करने ही है, और स्टे भी कम से कम 10 से 15 सेकंड कोशिश कीजिए दीजिए, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, और जितने रिपीटेशंस आप करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। इससे बैक फ्लेक्सिबल भी होता है, साथ ही साथ इससे आपको बैक को स्ट्रॉन्ग करने को भी मिलता है, और आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो उससे आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। यहाँ तक कि आपके जो कमर है, कमर से भी आपको
मजबूती करने में, और साथ ही साथ जो कमर है, कमर में दर्द है, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा इससे। और बड़ी बात है कि चाहे वो भुजंग आसन हो, चाहे शलभ आसन हो, या फिर मकर आसन हो, इसमें इसके मल्टीपल फायदे किए भी है कि पीठ के साथ जो ये पीठ के दर्द को तो भगाता ही है, आपकी पीठ को मजबूत करता ही है, लेकिन साथ ही अगर आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा है, पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है, उसमें भी ये सारे आसन बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं।